हेलो गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल एंड बैक विद माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Vivo V11 Pro का सक्सेसर के बारे में, जो कि है Vivo V13 Pro। तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला है बहुत ही बेटर स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ह्यूज बैटरी देखने को मिलेगा, ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड उसके साथ जो प्रोसेसर आएगा बहुत ही दमदार सा प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा Vivo V13 Pro के ऊपर, बताऊंगा इसका प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड उसके साथ ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट के बारे में भी आपको बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करूँ इसका डिजाइन की, तो इसका जो डिजाइन होने वाला है बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है। तो बैक साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको ड्यूल टोन फिनिश भी देखने को मिलेगा। फ्रंट सेक्शन की बात करूँ तो फ्रंट सेक्शन में आपको कॉर्निंग ग्रिल ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको ऊपर के साइड में आपको वाटर ड्रॉप टाइप नॉच सेटअप देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड ड्यूल टोन फिनिश भी देखने को मिलेगा। एंड ये जो स्मार्टफोन है ना बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगा, तो बजट सेगमेंट के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप बात करें स्मार्टफोन का कुछ अपडेट के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होने वाला आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले पैनल। यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले पैनल होते हैं IPS LCD पैनल से बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं एंड जिसके अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही बेटर होता है, उसके साथ सैचुरेशन फील भी आपको बहुत ही मस्त देखने को मिलता है एमोलेड डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा एंड जो एस्पेक्ट रेशियो आपको मिलता है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बहुत ही दमदार देखने को मिलता है, आपको प्रॉपरली फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है एंड फ्रंट साइड में बेजल चेन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, जस्ट लाइक आईफोन X जैसा। अब बात करूँ इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, जो कि है बहुत ही दमदार प्रोसेसर एंड ये है ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो स्पीड के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगा, कोई भी ऐप ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बहुत ही आराम से कर पाओगे एंड वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस आप फुल व्यू डिस्प्ले में बहुत ही आराम से कर पाओगे एंड जो पबजी वाला गेम होता है, हाई ग्राफिक्स का गेम एंड एस्पोल 9 होता है, बहुत ही आराम से इस स्मार्टफोन में आप रन करा सकते हो, कोई भी हीटिंग इशू कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0 यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 5 आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा एंड कस्टम ही आपको फंटास OS देखने को मिलेगा, जो कि होता है बहुत ही ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। अब बात करें स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा उसके साथ अपर्चर आएगा f/1.8 का एंड 5 मेगापिक्सल का डॉट डेप्थ सेंसिंग कैमरा होगा, उसके साथ अपर्चर आएगा f/2.4 का। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक देखने को मिलेगा एंड 5 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा होगा उसके वजह से जो बोके इफेक्ट एंड पोर्ट्रेट मोड होता है बहुत ही आराम से आप कैप्चर कर पाओगे एंड इमेज का जो क्वालिटी होता है बहुत ही आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, तो उसके साथ आपको AI फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फ्रंट कैमरा का जो क्वालिटी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। रैम सेक्शन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 2 रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट। 6GB रैम के ऊपर आएगा 128GB का इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम के ऊपर आएगा एक 128GB का इंटरनल स्टोरेज एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हो भाई आप माइक्रो एसडी कार्ड एंड एक साथ आप 2 नैनो सिम यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है एंड उसके साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड भी एक साथ रन करा सकते हो। आप बात करो इस स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के ऊपर होने वाला है एंड इसका जो लॉन्चिंग डेट है आपको 2019 में जनवरी या फरवरी के अंदर इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो यही है Vivo V13 Pro के ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना एंड आप इस चैनल पे पहली बार आए तो जाकर भाई सब्सक्राइब बटन बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्लीज दबा दो। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।